दी अल्ट्रासोनिक फेसिट, ठीक है। और इससे लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था बेटा, तुम बताएगा। इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस अबाउट विजुअल एंड ऑप्टिकल टेस्टिंग, ठीक है। वो भी आपका एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ही होता है, लेकिन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, ये किसके लिए यूज होता है, ठीक है, उसके बेसिक प्रिंसिपल। तो लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है कि बढ़ा जाए, लेकिन मे बी हम ये समझ लो कि अच्छे से उसको समझ के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ना, और सभी जगह लगभग यूज किया जाता है। जो भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उन क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए स्पेशली यूज किया जाता है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज अ वर्सेटाइल नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड एंड मेनी ऑफ द टेक्निक हैव बीन डिप्लॉयड टू अलाउ द फुल वॉल्यूमेट्रिक इंस्पेक्शन ऑफ अ लार्ज रेंज कंपोनेंट, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा नोट करिए कि भाई हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक इंस्पेक्शन या बल्क इंस्पेक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई भी एक लार्ज कंपोनेंट हो और उस पूरे कंपोनेंट का यदि आपको क्या करना हो, इंस्पेक्शन करना हो कि भाई इसके सरफेस पर एज वेल एज इसकी इनसाइड कोई डिफेक्ट है या नहीं है, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ठीक है। अब अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग यदि है तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का सबको मतलब समझ में आता है कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि भाई इट इज रिलेटेड विद द साउंड, ठीक है। और यदि हम ऑडिबल रेंज की बात करें कि जो हमारे ह्यूमन ऑडिबल रेंज है वो कितना होता है, इट इज नॉर्मली बिटवीन 16 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्स, ठीक है। लेकिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टिपिकल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की यदि हम बात करें तो इट इज अराउंड 500 किलोहर्ट्ज टू 25 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है इट इज बिटवीन, इसका रेंज क्या है, 500 किलोहर्ट्ज से लेके 25 मेगाहर्ट्ज के बीच का है, ठीक है। क्लियर है ना, क्योंकि अल्ट्रासोनिक बोलती है मतलब इससे ऑब्वियस है क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड चूजन इंस्पेक्ट द कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब हर एक कंपोनेंट के लिए आपको जो उसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 मेगाहर्ट्ज की यदि मैं बात करूं तो फॉर कॉन्टेक्ट टेस्टिंग एप्लीकेशन वुड प्रोवाइड द गुड सेंसिटिविटी, ठीक है। यदि 5 मेगाहर्ट्ज का हम यूज करते हैं तो किसके लिए, कुछ सेंसिटिविटी तो है, लेकिन विच टर्म रेफरिंग द एबिलिटी टू डिटेक्ट स्मॉल मटेरियल इम्परफेक्शन, मतलब आप छोटे से छोटे इम्परफेक्शन को भी आप क्या कर सकते हो या डिस्कंटिन्यूटी को भी इसमें फाइंड आउट या आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। द सेम साउंड फ्रिक्वेंसी वुड हैव गुड रिजोल्यूशन, ठीक है, और इसी का गुड रिजोल्यूशन भी होता है। एंड डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ टेस्टिंग सिस्टम डिस्प्ले क्लोज स्पेस डिस्कंटिन्यूटीज सेपरेटली, यदि क्लोज स्पेस डिस्कंटिन्यूटीज है तो उसको भी ये क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, और उसको जो भी डिस्कंटिन्यूटी है उसका आप अलग से सेपरेटली स्क्रीन पर देख सकते हो या ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितनी रेंज का है, कितनी पास पास उसकी डिस्कंटिन्यूटीज या जो भी उसमें ब्लो होल्स हैं या जो भी उसमें पोर्स हैं वो है, किस तरह से होगा, ठीक है। हेलो सर, वो स्वरूप को अंदर ले लीजिए, वो मैसेज कर रहा था, यहाँ पर नहीं आया, वो मेरे पास नहीं आया, इधर नहीं दिख रहा है, उसको वापस से बोलो, वापस बाहर जाके वापस ज्वाइन कर। Some components such as कास्टिंग, यदि कोई आपको कास्टिंग कंपोनेंट है उसको आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो उस केस में आप उसके, क्योंकि कास्टिंग किया है तो उसके जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, लार्ज होता है, ठीक है। तो उस केस में जो 5 मेगाहर्ट्ज जो हमने ऊपर देखा वो हमारे लिए थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसके सारे लार्ज ग्रेन्स है, उन सारे लार्ज ग्रेन्स में आप ये समझ लो कि जब आप उसको ऑब्जर्व करने जाओगे तो 5 मेगाहर्ट्ज उसको पेनिट्रेट तो कर जाएगा, लेकिन उसकी ग्रेन स्ट्रक्चर की वजह से वो प्रॉपर उसका जो भी पेनिट्रेशन की वजह से, द साउंड ऑफ द 5 मेगाहर्ट्ज कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू द कोर्स ग्रेन मटेरियल, ठीक है। तो कोर्स ग्रेन मटेरियल को वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है ड्यू टू द लॉस ऑफ अल्ट्रासोनिक एनर्जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भाई यदि हम कास्टिंग प्रोडक्ट्स को यदि क्या करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या उसका टेस्टिंग करना चाहते हैं बाय द एनबीटी टेक्निक, तो हम उसका यूज नहीं कर सकते टू टेस्ट द कोर्स ग्रेन मटेरियल। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लो फ्रिक्वेंसी साउंड का यूज करते हैं। लो फ्रिक्वेंसी कितना, तो इट इज अराउंड 1 मेगाहर्ट्ज टू 2 मेगाहर्ट्ज, ठीक है।
तो 1 MHz हम सिलेक्ट कर रहे हैं किसके लिए, यदि हमको कास्टिंग का कोई प्रोडक्ट एनडीटी टेक्निक की हेल्प से क्या करना है, उसमें जो भी उसके पोर्स हैं या उसको हमको इंस्पेक्शन करना है उसका, तो उसका हम इंस्पेक्शन 1 MHz वाली फ्रिक्वेंसी से करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, वुड हैव गुड पेनिट्रेशन बट पुअर सेंसिटिविटी एंड रिजोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसमें पेनिट्रेशन तो अच्छा होगा लेकिन इसका सेंसिटिविटी और रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेरी एनडीटी टेक्निक लुक्स प्रेजेंस ऑफ द डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है, क्योंकि सब में ही सारे ही जो मटेरियल हैं उन सारे ही मटेरियल्स में हम बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूटी तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अ डिसकंटिन्यूटी कैन बी डिफरेंट कंडीशंस लाइक क्रैक्स, स्लैग, पोरोसिटी एंड स्ट्रिंगर्स, और भी बहुत सारी हो सकती है, ठीक है ना। ये तो हमने कुछ यहाँ पे नाम लिखे। इट वुड बी रॉन्ग टू यूज अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन टू लोकेट, फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो एक क्रैक है, अब क्रैक एंड देन टू रिफर द क्रैक एज टू डिटेक्ट। अब आपको क्रैक जो है उसको आप क्या करना चाहते हैं कि आपने मान लिया कि क्रैक मेरा क्या है, डिफेक्ट है। डिसकंटिन्यूटी कैन ओनली बी कॉल्ड डिफेक्ट इफ इट एक्सीड द स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब यदि एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड से यदि वो क्या है ज्यादा है तो हम उसको डिफेक्ट एज्यूम करेंगे, अदरवाइज छोटे मोटे जो डिफेक्ट है उनको हम नेग्लेक्ट कर भी सकते हैं, ठीक है। मतलब इफ यू हैव टू क्रैक्स ऑफ द सेम लेंथ बट डिफरेंट कंपोनेंट, वन में भी एक्सेप्टेबल एंड अदर में भी नॉट एक्सेप्टेबल, वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड है जो हमने सेट किया है कि वो उस रेंज में एक्सेप्टेबल है या नहीं है। सो हाउ कैन यू अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड टू लोकेट द डिसकंटिन्यूटी, अब ये कैसे लोकेट करता है उसको हम थोड़ी देर में समझ रहे हैं। वी लुक द स्पेसिफिक इक्विपमेंट डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर, मतलब कुछ तक 2 मिनट के बाद देखते हैं, ठीक है। द फ्लॉ डिटेक्टर इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो फ्लॉ डिटेक्टर एक्चुअल में होता क्या है, तो फ्लॉ डिटेक्टर एक प्रोब होता है। प्रोब का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सेंसर है जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, उसके फ्लॉज को या जो भी उसमें डिफेक्ट है उसको डिटेक्ट कर रहे हो। इट हैज वेरियस कंट्रोल्स एंड स्क्रीन टू डिस्प्ले द टेस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब टोटली ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। द फ्लॉ डिटेक्टर फायर्स अ शॉर्ट रेंज ड्यूरेशन वोल्टेज पल्स, जिसको हम इनिशियल पल्स बोलते हैं, ठीक है, एंड डाउन लीड टू द प्रोब, मतलब ये प्रोब की हेल्प से जाता है और एंड वाइब्रेट एट द हाई फ्रिक्वेंसी व्हेन इट हिट द वोल्टेज पल्स, ठीक है। और ये वोल्टेज पल्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, साउंड की पल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड द प्रोब मस्ट बी लोकेटेड इनटू ऑनटू द कंपोनेंट, ठीक है, एंड कपलेंट इंश्योर द इफिशियंट ट्रांसफर ऑफ अल्ट्रासाउंड इनटू द कंपोनेंट, मतलब कोई भी एयर गैप इसके बीच में होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का, यदि बहुत ज्यादा एक्यूरेट आप करना चाहते हैं तो उस केस में आप ये बोल सकते हो कि या तो आप कुछ ऑयल का या फिर वाटर का या कुछ ऐसे थिकनेस वाले कंपोनेंट का यूज करते हो जो कि पूरी एयर गैप को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो द साउंड पासेस थ्रू अ सीरीज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन वेव्स, ठीक है, तो जो साउंड निकल रहा है वो किसकी वजह से निकल रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन वेव्स की वजह से निकल रहा है, क्लियर है। एंड अ टिपिकल पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी वुड सेवरल हंड्रेड पल्स एवरी सेकंड, ठीक है, मतलब हर एक सेकंड में बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ पल्स क्या हो रही है, निकल रही है। साउंड इज अ वेव, इट बिहेव्स एग्जैक्टली द सेम मैनर ऑफ द लाइट वेव्स, ठीक है। तो जैसे लाइट वेव बिहेव करता है कि मतलब लाइट वेव के जो भी प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है ना, तो उसी तरह की सारी प्रॉपर्टीज इसकी साउंड वेव्स की भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। They reflected encounter the surface their path, मतलब यदि आप बोल रहा है कि वो यदि जैसे ही उसका सरफेस आता है तो उससे क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। The surface that the sound waves likely encounter the discontinuity of the component, यदि discontinuity है तो उससे भी वो क्या हो जाता है, reflect हो जाता है। आर द बैक वॉल ऑफ द कंपोनेंट द रिफ्लेक्टेड साउंड will return to the probe, मतलब प्रोब से ही साउंड गया और वापस रिटर्न आ जाता है। Which convert the electrical signal, और वो फिर वापस से किसमें convert हो जाता है, electrical signals में। And this passes back through the lead of the flaw detector, which display on the screen, और वो screen पर हमको दिखाई देता है, ठीक है। This basis of the pulse echo testing, typical testing setup include the flaw detector, screen display, और ये होता है, ठीक है, कैसा होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका इधर जो देख रहा है आपको, तो ये आपका screen detector है, ये आपका प्रोब है। प्रोब का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि आपका सेंसर है जिसके थ्रू जो आपकी वोल्टेज वेव्स थी वो साउंड वेव्स में कन्वर्ट होके यहाँ पर
इस तरह से आती है, ठीक है। एक क्या है आपका फ्रंट फेस, एक फ्रंट फेस का मतलब हो गया कि जहां पर आपने प्रोब को सीधा उससे चिपकाया हुआ है, एंड जो सी फेज है वो सी फेज आपका बैक वॉल हो गया, मतलब दूसरा फेज हो गया। लेट्स से कि कोई कंपोनेंट है ये किसी थिकनेस का है, ठीक है, तो ये आपका फ्रंट फेज हो गया, ये आपका बैक फेज हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कुछ डिसकंटिन्यूटी आ गई, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोल रहे हैं, बी फेज, ठीक है, क्लियर है। तो तीन फेसेस की हमने यहाँ पर बात करी है, ए जिस पर आपका क्या है फ्रंट फेस है, जिस पर आपने प्रोब सीधा सीधा इंस्टॉल किया है, सी जो बेक बेक हो गया मतलब सबसे एंड वाला सरफेस हो गया, ठीक है, या बैक वॉल भी बोल सकते हैं आप इसको, और जो बी है, ठीक है, वो बी क्या हो गया आपका डिसकंटिन्यूटी वाला, ठीक है। तो यदि आप इसको ऑब्जर्व करोगे स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरह से आपको ये वेव्स आपको मिलती है, ठीक है। तो ये ए वन मतलब ए वाली स्क्रीन पे आपको जो वेव सीधा आपने इंसर्ट किया तो कुछ इस तरह का वेव आपको मिलेगा, फिर वो कंटिन्यूसली नीचे चले जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप प्रोब को थोड़ा आगे की तरफ मूव करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, इस फोर और फाइव के बीच में आपको बी वन वाला ये डिसकंटिन्यूटी मिल रहा है, ठीक है। फिर अगेन यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको ये C1 मिल रहा है, मतलब ये आया और रिटर्न आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अल्टीमेटली ये डिस्टेंस बता रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि इतनी थिकनेस पर ये प्लेट होगा, या फिर आप ये सीधा सीधा बोल सकते हो कि ये इसकी इसमें इस पर्टिकुलर रीजन में कोई इसकी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। तो साउंड का मतलब हम क्या समझ रहे हैं, इको से, ठीक है। तो इको ए वन इज द रिजल्ट ऑफ द साउंड एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक ऑफ द फ्रंट सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन, ठीक है, फ्रंट सरफेस से ही आके वो रिफ्लेक्ट हो गया, एंड टुगेदर विद द रिंगिंग ऑफ द क्रिस्टल इनिशिएट पल्स ऑल इमर्ज इनटू वन क्रिस्टल, ठीक है, मतलब वो एक क्रिस्टल बन गया ऐसा समझ लो। और बी वन क्या है इसका डिसकंटिन्यूटी है, और सी वन क्या है बैक वाली को है, मतलब ये गायब इधर आया और वापस रिटर्न होके जो इको मिल रहा है उसको बोल रहा है, ठीक है। इफ द फ्लॉ डिटेक्टर इज कैलिब्रेटेड, मान लो कि आपने फ्लॉ डिटेक्टर को क्या किया हुआ है, कैलिब्रेट किया हुआ है, तो कैलिब्रेट भी किया जाता है, ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट अपने यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल कि यदि मैं वीडियो उसका बना सका तो मैं आपको दिखाऊंगा उसको, ठीक है। एंड द डेप्थ ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द थिकनेस ऑफ द कंपोनेंट कैन बी एक्चुअली डिटरमाइंड the times take the sound travel through the path of the discontinuity and back wall of the and back again. आप ऐसा समझो कि let's say कि ये आपका sample है, इस sample को आपको test करना है कि भाई इसमें कहीं पर discontinuity है कि नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इस sample के ऊपर एक probe जो है वो probe mount किया, ये आपका probe हो गया, और सबसे पहले आप उसको initiate करते हैं तो क्या होगा, ये मान लो उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो इको गया ये आपका, ठीक है, और वापस रिटर्न आ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो जैसे हम समझते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, तो उससे आप इसका थिकनेस भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप ऐसा समझ लो कि ये डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया तो इसमें कोई आपको इसका इको नहीं मिला, ठीक है। लेकिन लेट से कि आपने इसी प्रोब को आगे की तरफ मूव किया और ये प्रोब अब यहाँ पर आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, केवल यहाँ गया और यहाँ से वापस रिटर्न इतना आ गया, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जब ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो कुछ अलग बात है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ये अलग बात है, मतलब आप यहाँ से इसका क्या कर सकते हो कि इसका रेंज फाइंड कर सकते हो कितना बड़ा डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, और कितनी डिस्टेंस पर वो डिसकंटिन्यूटी इसमें इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन या पर्टिकुलर जॉब में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो बाय दिस अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ठीक है। आगे समझते हैं, अब हम एस्टिमेशन कैन बी मेड रिगार्डिंग द रिलेटिव साइज ऑफ द डिसकंटिन्यूटी बाय मैनिपुलेटिंग द प्रोब ऑन द सरफेस ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, वही हमें समझा दी, बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ साउंड returning to the probe from the discontinuity, ठीक है, हम उसको compare कर सकते हैं कि भाई ये यदि उसमें कोई defect नहीं था तो गया और वापस return आ गया, यदि discontinuity है तो उसको कितने amount में होगा और कितनी distance पर होगा from the reference target, reference मतलब starting वाले की बात कर रहे हैं। To test the whole component, the probe must be scanned fully over the component surface, ठीक है, पूरी surface को भी वो scan करता है as well as and ensuring that one of the pass of the probe overlap previously passed a predetermined amount.
द स्क्रीनिंग प्रोब कैन बी इजिली मैनिपुलेटेड बाय हैंड और मैकेनिकली या ऑटोमेटेड सिस्टम भी होता है, ठीक है। अब नेचर ऑफ द साउंड की भी हम बात करें, क्योंकि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का सीधा सीधा रिलेशन हम साउंड से करते हैं, तो अब अल्ट्रासोनिक कैसे जनरेट होता है, कैसे प्रोपोगेट होता है उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर, उसको समझते हैं। वी हैव लुक्ड एट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक मेथड, वी नाउ लुक एट द मोर डेप्थ ऑफ द नेचर ऑफ द अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड ही इस पूरी मेथड का क्या है, मतलब हार्ट है, उसी से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये कितना होगा या कितना अमाउंट में होगा, ठीक है। तो उसको समझना हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ वी कम्स टू इन अल्ट्रासोनिक वेव्स इन पल्स इको टेस्टिंग इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स आर मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द मटेरियल, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव का सीधा सीधा क्या मतलब है, पल्स इको टेस्टिंग में हम शॉर्ट ड्यूरेशन हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स आर मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द मटेरियल, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स आपने पास की मटेरियल से, वो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स को क्या कर रही है, पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ जा रही है और वापस रिटर्न। दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स बिहेव्स इन द सेम मैनर एज ऑडिबल साउंड वेव्स एज सच एज विल मूव थ्रू द मीडियम दैट सपोर्ट द मैकेनिकल वाइब्रेशन सॉलिड लिक्विड गैसेस। This ultrasonic waves behave the same manner. One second. चलिए, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये आपका क्या है, प्रोब है एज यूजुअल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ द प्रोब हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने इसके परपेंडिकुलर बात करूं तो ये क्या हो गया, इसका रिफ्रैक्शन, ठीक है, जिसको आप रिफ्रैक्शन बोलते हो। तो ये इसका प्रोपोगेशन का डायरेक्शन हो गया। जैसे हमारा लाइट पास होता है तो लाइट में हम क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारा, सीधा सीधा ये इंसिडेंट गया, इंसिडेंट वेव गया और रिटर्न आता है, ठीक है ना, उसी तरह से। लेकिन हम जो रिफ्रैक्शन की बात करते थे, यहाँ पर इसको क्या बोल रहा है, वो रिफ्रैक्शन बोल रहा है, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया किसका, पार्टिकल के वाइब्रेशन का, ठीक है। इसी तरह से यदि हम इसके कंप्रेशन की बात करें तो इसमें इस डायरेक्शन में भी ये क्या होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रोपोगेट होगा, जिसको ये क्या बोल रहा है, डायलेशन बोल रहा है। विद द कंप्रेशन ऑफ द प्रोब पार्टिकल वाइब्रेशन एंड बीम प्रोपोगेशन आर इन द सेम डायरेक्शन। Now it comes to the ultrasonic waves passes through the solid material at a high velocity. The specific velocity of ultrasound will differ from the material to material depending upon the density and elastic properties. ठीक है, तो ये चीज नोट करने की है, the specific velocity of ultrasound, ठीक है, डिपेंड करता है किस पर, मटेरियल पर, मटेरियल की डेंसिटी पर और उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। यदि मटेरियल चेंज होगा तो हम उसके रेस्पेक्ट में हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करेंगे। जैसे हमने ऊपर देखा कि जब हम कास्टिंग के लिए बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, 1 MHz यूज कर रहे हैं। लेकिन यदि हमको माइल्ड स्टील या किसी सिंपल कंपोनेंट का यूज करना होता जो कि कास्टेड नहीं हो, तो उस केस में हम दूसरे किसी कंपोनेंट का या दूसरे किसी रेंज का यूज करते हैं, या 5 MHz वाली रेंज का यूज कर रहे थे, ठीक है। पर हर एक के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का मटेरियल को टेस्ट करना है। द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड विद इन अ स्पेसिफिक मटेरियल आल्सो डिफर्स डिपेंडिंग विच मोड ऑफ अल्ट्रासाउंड बी जनरेटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंप्रेशन से कर रहे हो, शियर से कर रहे हो, या सरफेस वेव है आपका, किस तरह का वेव है, ठीक है। मान लो कि प्रोब इज ट्रांसमिटिंग अल्ट्रासाउंड इन टू द मटेरियल नॉर्मल टू द सर्फेस, ठीक है। मतलब नॉर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि वो उसका इंसिडेंट एंगल क्या होगा, इट इज अराउंड क्लोज टू 0 degree। लेकिन द मोड ऑफ द प्रोपोगेशन विल प्रोड्यूस कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो यदि लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब समझ में आता है कि आप जिस डायरेक्शन में प्रोब लगा है उसी डायरेक्शन की हम बात करेंगे, ठीक है। विच प्रोड्यूसेस द मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन एज द ओवरऑल डायरेक्शन वेव प्रोड्यूसेस मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन द सेम डायरेक्शन एज द overall direction wave propagation. This will lead the alternate compression and dilation pressure areas. ठीक है? Now we come to the compression waves can be moved through the solid, liquid and gases will have velocity of the mild steel is approximately 5,960 meter per second. तो इतना होता है किसमें, mild steel के केस में, पर इसको हम solid, liquid और gas से भी ये पास
कर सकते हैं, कंप्रेशन वेव्स की बात कर रहे हैं। द इंसिडेंट कंप्रेशन वेव इनकाउंटर्स अ बाउंड्री बिटवीन द टू मटेरियल विद डिफरेंट साउंड्स वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, यदि हमने एट एन एंगल, मान लो कोई कंपोनेंट है किसी एंगल पर आपको उसको रखना पड़ रहा है आपके प्रोब को, तो उस केस में वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एट एन एंगल ऑफ अदर देन द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से हमने अलग रखा है, तो फॉर स्टील द इंसिडेंट कंप्रेशन वेव एंगल विल बी बिटवीन 28 to 56 डिग्री रखते हैं, ठीक है। इसके लिए स्टील के केस की बात कर रहे हैं। मोड कन्वर्जन ऑकर्स कंप्रेशन वेव्स इन द फर्स्ट मटेरियल शियर वेव एंड शियर वेव इन द सेकंड मटेरियल। देखो यहाँ पर क्या है, ये दो मटेरियल यूज करते हैं, तो ये पहला मटेरियल हो गया और ये दूसरा मटेरियल हो गया, तो ये मटेरियल में तो सीधा सीधा प्रोपोगेट कर रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, ये अपने पास से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लाइट के केस में बात करते हैं कि भाई ये क्या हो गया, इसका इंसिडेंट एंगल और ये इसका रिफ्रेक्टिव एंगल, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी समझते हैं, यहाँ पर भी वो रिफ्रैक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो मोड ऑफ कन्वर्जन ऑकर्स द कंप्रेशन वेव द फर्स्ट मटेरियल द शेयर वेव इन अ सेकेंड मटेरियल, ठीक है। तो सेकेंड में जाएगा वो तो शेयर वेव बन जाता है। द डायरेक्शन ऑफ द वेव विल ऑल्सो चेंज द वेव व्हिच इज द मटेरियल बाउंड्री वी कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। शेयर वेव्स प्रोब्स आर वेरी यूजफुल पर्टिकुलरली इफ देयर इज कंटिन्यूटी एट द वेरियस ओरिएंटेशन ऑफ बीम सॉर्ट, ठीक है। मतलब वो डिपेंड करता है कि शेयर वेव डिपेंड करेगा कि कितने एंगल से आपने उसको रखा है या कितने एंगल पर आपके प्रोब को आपने माउंट किया, ठीक है। तो अल्फा आपका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और बीटा आपका क्या है, रिफ्रेक्टिव एंगल हो जाएगा। शेयर वेव प्रोब विल सेट एंगल, ठीक है ना, तो समझ लिया अपन। एज स्टेटेड अबोव अ प्रोब फॉर द यूज ऑफ द स्टील विल हैव इंसिडेंट एंगल बिटवीन 28 एंड 56 डिग्री प्रोड्यूसिंग अ शेयर वेव बिटवीन 34 एंड 80 डिग्री इन द स्टील, ठीक है। तो रिफ्रेक्टेड शेयर वेव कितना, 34 और 80 डिग्री प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम इंसिडेंट एंगल कितना रख रहे हैं, 28 और 56 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से होगा कि अ शियर वेव विल कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स आर मॉलिक्यूल्स एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, ठीक है। द सेम इफेक्ट कैन बी सीन इन द कॉर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द सी, दिस वेव विल मूव हॉरिजॉन्टली व्हाइल द कॉर्क मूव अप एंड डाउन, तो कॉर्क को आप ऊपर नीचे मूव कर सकते, ठीक है। आगे बात करें यदि हम, तो शियर वेव कैन ओनली मूव थ्रू द सॉलिड, ठीक है। तो शियर वेव केवल सॉलिड में ही पास होता है, ठीक है। रिजिड पार्टिकल बॉन्डिंग बिटवीन द प्री रिक्विजिट एंड विल मूव थ्रू द माइल्ड स्टील इज अप्रोक्सीमेटली 300,240 meters per second। ये कब बात कर रहा है, जब हम एंगल पर रख रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो था हम एंगल पर नहीं रख रहे थे। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड that passes through the all the surface of the component and will follow the surface contours is called the Rayleigh's waves and only approximately the wavelength is deep and have a velocity about 90% of the shear wave in the same material. They are quite sensitive on the surface of the cracks lying across their path. Good component surface profile and cleanliness is essential for the reproducible results is required. ठीक है, तो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर वही सिमेट्रिकल वेव्स हैं, तो किस तरह से उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो इसका सरफेस वेव है, क्योंकि ये वाला, तो ये जो है ऊपर की तरफ, ये इसका सरफेस वेव है और ये क्या है, इसका लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो सरफेस वेव किस तरह से उसमें डिस्टॉर्टेड होगा या प्लेट में मूव करेगा वो बता रहे हैं। द शेलो डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द सरफेस वेव कैन बी सीन, ठीक है। तो ये इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, अप्रोक्सीमेटली 1 wavelength के बराबर है, और ये इसका क्या है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन है किसी भी मटेरियल का। तो ये प्लेट वेव्स ऑकर्स द थिन प्लेट ऑफ द फ्लैक्स, ठीक है। अब साउंड वेव कैसे जनरेट होता है, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, उसको देखते हैं। तो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द नेचर ऑफ द साउंड, नाउ वी कंसीडर द प्रोड्यूस ऑफ क्रिस्टल विद, जो कि हम प्रोब विद इन द प्रोब्स, ठीक है। अभी कैसे क्रिएट होता है उसको समझते हैं। द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूटिलाइज which property certain crystal convert electrical energy into the mechanical energy, ठीक है, and vice versa, ठीक है। तो या तो piezoelectric effect का सीधा सा मतलब है कि यदि हम उसको push करते हैं किसी material को या उस पर कुछ pressure डालते हैं, तो उसकी वजह से या तो electrical से mechanical में या mechanical से electrical energy में convert हो जाता है, ठीक है। तो probes are often called transducer because they convert energy from one form to another form, ठीक है।
ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक में यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी एंड साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है कौन सा, ये जो प्रो हम यूज करते हैं इसमें अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में, वो वाले प्रो की बात कर रहा है। ठीक है, दिस क्रिस्टल्स मे बी नेचुरली ऑकरिंग आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर आर ग्रोन इन सॉल्यूशन, नेचुरली ऑकरिंग क्रिस्टल्स सच एज क्वार्ट्ज से बने होते हैं या मैनमेड सिरेमिक मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये बात कर रहे हैं हमारे प्रोब की बात कर रहा है। ठीक है, इस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं लेते हैं, आगे बात करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये हमारा एज यूजुअल इसको समझो आप, तो फ्लॉ डिटेक्टर डेटा प्रेजेंटेशन कैसे होता है उसको समझ लो। ठीक है, लेट्स से कि देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ द डिस्प्ले ऑफ द फ्लॉ डिटेक्टर। तो हमने देखे समझ लिया इससे पहले भी कि ए स्कैन होता है, बी स्कैन होता है और सी स्कैन प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो ए स्कैन प्रेजेंटेशन इज मोस्ट कॉमन डिस्प्ले यूज इन अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग, इट शोज द रिटर्निंग सिग्नल एम्पलीट्यूड वर्टिकली। मतलब आपने सीधा सीधा प्रूफ जो है वो इस तरह से आपने उसको क्या किया हुआ, माउंट किया हुआ, क्लियर है। तो आप उसको क्या बोल सकते हैं कि ये इसका ए स्कैन प्रेजेंटेशन हो गया, इट शोज द रिटर्निंग सिग्नल एम्पलीट्यूड वर्टिकली एंड लेफ्ट टाइम और डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ से टाइम लेफ्ट टाइम या उसका जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एन एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर मे बी एबल टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम शेप ऑफ द सिग्नल टू द स्क्रीन एज वेल डिटरमाइन द कंपोनेंट थिकनेस एंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द डिसकंटिन्यूटी साइज। जैसे हम मैंने बता दी चुका हूँ कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं थिकनेस कंपोनेंट का या फिर जो भी उसका डिस्कंटिन्यूटी है या डिस्कंटिन्यूटी का जो भी साइज है उस साइज को भी आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व या मेजर कर सकते हैं। ठीक है, टिपिकली स्कैन डिस्प्ले यहाँ पर दिया हुआ है, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिटर्निंग द प्रोब द हायर द सिग्नल ऑन द स्क्रीन एंड डेप्थ ऑफ द रिफ्लेक्टर कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइन एंड द डिस्कंटिन्यूटी लेट्स से 50 mm का यदि है, तो मतलब मान लिया कि यहाँ पर ये 50 mm पर एक डिस्कंटिन्यूटी आपको दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है ना, तो ये डिस्कंटिन्यूटी है ये वाला, तो ये डिस्कंटिन्यूटी से रिटर्न हो जाएगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपको 50 mm पर कोई एक डिस्कंटिन्यूटी वाला पोर्शन मिल रहा है या कोई एक ऐसा उसमें ब्लो होल है या कुछ भी पोर है जो कि जिससे कि वो उसका इको रिटर्न हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो, डेप्थ इज शोन एज इन इको ऑन द स्क्रीन एट अ 5। ठीक है, मतलब ये क्या है, 5 mm पर है। ठीक है, और यदि इको नहीं मिल रहा है तो देखो यहाँ पर सीधा इको यहाँ से कहाँ गया, ये यहाँ से सीधा कहाँ तक, ऊपर तक चले गया, देन रिटर्न हो गया। इसका मतलब क्या है कि पूरी थिकनेस तो कितनी है, 100 mm, लेकिन डिस्कंटिन्यूटी कितने पे मिल रही है आपको, 5 mm पे। लेट से मतलब एक एग्जाम्पल लिया है ये 50 mm पर, ये कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो विद द बी डिस्प्ले जो यहाँ पर बी दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द कंपोनेंट under test is seen, the display show the depth of the reflector and used to determine the cross sectional size, location and both the position. मतलब size भी बता सकते हैं आप, उसका location भी बता सकते हैं। ठीक है, and with large discontinuity can show the shape and orientation of the certain degree. मतलब आप कुछ degree पर रख के आप यदि उसको ऑब्जर्व करते हैं, प्रोब को आपने कुछ डिग्री पर रख दिया, तो आप उसका शेप भी बता सकते हैं किस शेप का वो का discontinuity है। With a B scan, it is a time travel of the pulse vertical plotted as a function of the probe position that is displayed. आगे बात करें यदि हम, तो ये probe हो गया आपका, तो यहाँ पर इसने कुछ artificial flaws बना दिए हैं ये वाले। ठीक है, तो आपको इसे समझ में आ सकता है कि भाई यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो discontinuity आपको कैसे दिखाई दे रहा है। Typical B scan display with different size, artificial flaw at different depth. देखो यहाँ पर ये ऐसा दिख रहा है, ये इतनी डिस्टेंस पर मिलेगा आपको, इतनी डिस्टेंस पर मिलेगा, होगी कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर दिखाई देगा। पर ये इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इसको कुछ एंगल पर रखना होगा। देखो प्लान व्यू ऑफ द कंपोनेंट, तो इसका यदि हम प्लान व्यू देखते हैं, मतलब उसको टॉप व्यू देखते हैं, तो टॉप व्यू ऑफ कंपोनेंट इज नीडेड अ सी स्कैन डिस्प्ले सिस्टम इज यूज्ड अ पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर द प्लेट मटेरियल इंक्लूडिंग हनीकॉम पैनल्स। ठीक है, तो ये हनीकॉम पैनल बता रहा है एक कोई रोल्ड प्रोडक्ट है जिसको आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, या लेमिनेटेड कोई कंपोजिट है उसको टेस्ट करना है। इसके लिए आप कौन सा सी स्कैन डिस्प्ले का यूज कर रहे हो, या सी स्कैन डिस्प्ले इज बिल्ट अप ऑफ यूजिंग रास्टर स्कैनिंग जिसको हम एक्स वर्सेस वाई, मतलब आप एक्स और वाई और कंपोनेंट सरफेस आप यूज करते हो। इट इज मेनली यूज विद ऑटोमेटेड इमर्शन इक्विपमेंट
एंड इज वेल सुटेड फॉर द यूज ऑफ द थ्रू ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। और उसको कुछ इस तरह से सेट किया जाता है कि आप उसका पूरा साइज और शेप दोनों बता सको। द डिफेक्ट साइज इन टर्म्स ऑफ द एरिया एंड द पोजीशन व्हिच प्लान व्यू इज रिकॉर्डेड आइदर द कंप्यूटर फाइल आर प्रिंटेड ऑन अ हार्ड कॉपी, ठीक है, या तो इस तरह से भी बता सकते हैं, ऐसा भी दिखेगा आपको, ठीक है। इन एडवांटेज ऑफ सी सिस्टम इज परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द स्क्रीन रिजल्ट्स, ठीक है। बेसिक इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं, तो बेसिक इक्विपमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर की। फ्लॉ डिटेक्टर हैव अ चेंज ऑफ अ ग्रेट डील एंड मॉडर्न डिजिटल फ्लॉ डिटेक्टर आर मच मोर सोफिस्टिकेटेड देन अर्लियर एनालॉगस सेट्स, ठीक है। तो अभी तो पूरा डिजिटलाइज फ्लॉ डिटेक्टर्स का यूज किया जाता है, जिसमें आप उसको डेप्थ को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर सकते हो, या आप उसका कंप्यूटर पर उसका डेटा जो भी मिलेगा उस डेटा को आप स्टोर भी कर सकते हो। अ बेसिक फ्लॉ डिटेक्टर विल प्रोड्यूस हाई रिपीटेशन वोल्टेज स्पाइक्स टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन ऑन द क्रिस्टल विद द प्रोब, ठीक है। तो फ्लॉ डिटेक्टर क्या करता है ये समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि फ्लॉ डिटेक्टर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाई रिपीटेशन ऑफ वोल्टेज स्पाइक्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है और वो आपका क्रिस्टल प्रोब में दिखाई दे रहा है। दिस वोल्टेज स्पाइक्स कैन बी अराउंड 1000 वोल्ट। रिटर्निंग सिग्नल्स आर फिल्टर्ड एंड एम्प्लीफाइड एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, ठीक है। और जो इसका रिटर्निंग सिग्नल है वो फिल्टर होके आपको स्क्रीन पर दिखते हैं। फ्लॉ डिटेक्टर कंट्रोलर अलाउ एक्यूरेट कैलिब्रेशन ऑन द स्क्रीन टाइम बेस व्हिच इज वेरी यूजफुल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द डेप्थ ऑफ द मटेरियल थिकनेस, ठीक है। या तो डिसकंटिन्यूटी का डेप्थ या मटेरियल के थिकनेस को भी आप इससे ऑब्जर्व कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक गेट्स आर कॉमन व्हिच ट्रिगर्ड अलार्म इफ सिग्नल्स विद अ प्री डिटरमाइंड पोजीशन ऑन द स्क्रीन राइज एंड आर फॉल ऑफ द सिलेक्टेड लेवल्स। एंड तो वही जो लेबल्स अभी ऊपर अपने देखे थे स्क्रीन के ऊपर दिखते हैं वो दिखाई देता है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें प्रोब की, तो प्रोब क्या है हमारा, तो नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा, प्रोब है। एंड प्रोब कैन बी वाइडली वैरायटी इन साइज फ्रीक्वेंसी एंड एंगल्स, तो बहुत सारे साइज में मिलता है आपको। सिंगल क्रिस्टल के लिए यदि हम बात करें तो 0 डिग्री कंप्रेशन प्रोब का यूज किया जाता है। हैव द एडवांटेज ऑफ द गुड पेनिट्रेशन वेव फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर फाइन ग्रेन फोर्जिंग अप टू 6 mm थिकनेस में भी टेस्टेड, ठीक है। 6 मीटर थिकनेस तक का हम इसमें मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक डिस्कंटिन्यूटी एंड प्लेनर डिस्कंटिन्यूटी कंपोनेंट पैरेलल टू द कंपोनेंट सरफेस कैन बी डिटेक्टेड। However, the defect on not perpendicular to the ultrasonic beam may not be detected on the screen, but a loss of back wall signal may be observed. ठीक है, with a coarse grain material, तो low frequency probe का use करते हैं अपन, या low frequency select करते हैं अपन किसके लिए, coarse grain के लिए, जैसे casting में हमने देखा था, ठीक है। The disadvantage of a single crystal probe is the presence of the dead zone. मतलब उसमें कुछ dead zones आप मिलते हैं आपको, जहाँ पर आपको signal मिलेंगे ही नहीं, which exists the surface and caused by the probe still emitting ultrasonic and returning pulse tries to enter the probe and thus preventing near surface discontinuity from being detected, ठीक है। तो इस तरह का ये probe आपका single crystal वाला होता है, ठीक है। ये आपका electrical connection है, इसका ये casing है पूरा बाहर की तरफ, ये यहाँ पर एक crystal लगा है, ये इसका couplings हैं, ये इसके soft diaphragms हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन होता है। टू एलिमिनेट द डेड जोन अलाउ नियर सरफेस डिटेक्ट 0 डिग्री कंबाइंड डबल क्रिस्टल प्रोब का यूज करते हैं, ठीक है। तो डेड जोन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कंबाइंड डबल जोन क्रिस्टल प्रोब का यूज कर रहे हैं, ठीक है। टू क्रिस्टल्स आर बिल्ट अप इन द प्रोब एंड सेपरेटेड बाय द कॉर्क सेपरेटर, वन ऑफ द ट्रांसमीटर अदर द रिसीवर, प्रोब्स कैन बी कॉन्फिगर्ड एंड यूज्ड टू टेस्ट स्पेसिमेन डिस्कंटिन्यूटी एंड थिकनेस ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। इसकी वजह से जो भी उसमें डिस्कंटिन्यूटी या जो भी डेड जोन मिल रहे थे वो डेड जोन नहीं मिलते। वंस अगेन द अल्ट्रासाउंड इंट्रोड्यूस परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट सरफेस, ठीक है, समझ में आता है अपने को कि भाई वो परपेंडिकुलर ही जाता है, अलाउइंग द डिटेक्शन ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक डिस्कंटिन्यूटी एंड प्लेनर डिस्कंटिन्यूटी पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। तो इसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक डिस्कंटिन्यूटी और प्लेनर डिस्कंटिन्यूटी को, जो कि पैरेलल होता है कंपोनेंट के सरफेस को, दोनों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फ्लॉज में भी ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फेवरेबल ऑफ 0 डिग्री कंप्रेशन प्रोब का यूज करते हैं, या कुछ वैरायटी ऑफ एंगल्स में वो मिलते हैं अपने को, जैसे 38 डिग्री 45 डिग्री 60 70, ये आपको मिल जाते हैं। प्रोब्स ए इज 0 डिग्री कंप्रेशन प्रोब इज यूजुअली
अनलाइकली टू डिटेक्ट द क्रैक बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल इफ एनर्जी विल रिफ्लेक्ट बैक टू द प्रोब प्रोब फ्रॉम द क्रैक द प्रोब बी इज 45 डिग्री. तो ये देखो यहाँ पर ये प्रोब सीधा सीधा लगा हुआ है, पर यहाँ पर यदि प्रोब हमने इंस्टॉल किया तो यहाँ पर ये प्रोब 45 डिग्री पर लगा हुआ है. तो यदि ये डिस्कंटिन्यूटी को यहाँ पर से ऑब्जर्व करना है तो आप उसको 45 डिग्री पर भी लगा कर भी आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो. पर इस केस में क्या होगा, आप उसका जो शेप है मतलब ये पूरा का पूरा ये साइज भी आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर यदि फ्लॉ मान लो कि ऐसा परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उस केस में यदि आपने परपेंडिकुलर प्रोब लगाया मतलब ऐसा 0 डिग्री वाला प्रोब लगाया तो उस केस में आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक इतनी, सॉरी एक सेकंड दूसरा कर, उस केस में आपको ये तो समझ में आएगा कि इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, मतलब ये डिस्कंटिन्यूटी कितने डिस्टेंस पर अवेलेबल है, पर इसका ये जो साइज है ये साइज आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते. तो उस केस में आपको किसी एंगल पर लगाते हो तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डिस्कंटिन्यूटी मिलेगी, मतलब आप उसका साइज भी 45 डिग्री पर लगाकर क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो. समझ में आई बात की 45 डिग्री पर या एंगल पे लगाने का क्या बेनिफिट है. Single beam probe can be contained either single or double crystal at various high frequency. Probe A is unlikely to detect the crack as a little or no longer will reflect back and probe B will detect the crack. ठीक है, मतलब B से आप crack भी detect कर सकते हो. A ये वाला crack हो गया जिसमें 0 degree पे रखा और B कौन सा probe हो गया 45 degree. Probe lead or coupling probe lead is required to connect the flaw detector to the probe. ठीक है, its length of a coaxial cable with a specific connector. Couplant to use करते हैं अपन. तो couplant is a used to allow the efficient transfer of ultrasonic energy between the probe and the component. And the probe has replaced by dry component. ठीक है, तो इतना important नहीं है. आगे समझते हैं. अब हम बात करते हैं कि reference standard क्या use करते हैं. तो reference standard used to allow the standardization of ultrasonic inspection of the same sensitivity level are used whenever the component is tested and whoever is tested. ठीक है, standardization will also allow ultrasonic operator to estimate the equivalent size of the discontinuity form. तो अपने को reference standard को set करने होंगे test block के लिए and natural flaw of artificial flaw and techniques can be used to determine the percentage of the back reflection. कितने अपने लिए allowable है, मतलब कितने अपन allow कर सकते हैं discontinuity को, उसके बाद allow नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा. ठीक है, एंड टेस्ट ब्लॉक्स कंटेनिंग आर्टिफिशियल फ्लॉ विल कंसिस्ट द मिडल सेक्शन कंटेनिंग रेफरेंस टारगेट्स. ठीक है, तो आपको रेफरेंस तो एक सेट करके चलना पड़ेगा. ठीक है, नॉचेस स्लॉट्स एंड ड्रिल होल्स. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द डिस्कंटिन्यूटी ऑफ इको रीचेस द सेम हाइट ऑन द स्क्रीन ऑफ द सेम डेप्थ एज अ रेफरेंस टारगेट इको. ठीक है, द डिस्कंटिन्यूटी इज नॉट द सेम साइज एज द रेफरेंस टारगेट. ठीक है, तो डिस्कंटिन्यूटी जरूरी है कि आपको सेम साइज का ही मिले. रिफ्लेक्शन कैरेक्टराइज ओरिएंटेशन एंड डिस्कंटिन्यूटी रेफरेंस टारगेट एंड डिस्कंटिन्यूटी इक्विवेलेंट साइज रेफरेंस टारगेट दिस स्टेटेड इन दिस फिगर. ठीक है, देखो यहाँ पर समझो, तो ये आपका डिस्कंटिन्यूटी था तो कुछ इस एंगल पे मिला, तो इसमें क्या होगा कि ये प्रोब पे आया ही नहीं, तो ये क्या हो गया, देखो ये डिस्कंटिन्यूटी कुछ इस एंगल पे था तो आपने प्रोब तो इस तरह से लगाया तो ये इधर आया और इसके पर रिफ्लेक्ट होके किधर इधर चले गया, तो ये रिटर्न आया ही नहीं. इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक डेड जोन मिल जाएगा. क्लियर है, यदि रेफरेंस टारगेट आपका कुछ इस तरह का है तो ये गया और वापस रिटर्न आ गया, तो ये आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो. लेकिन 60% स्क्रीन पर यदि दिख रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इधर आपको इको फ्रॉम द लार्ज डिस्कंटिन्यूटी, तो यहाँ पर एक इको मिलेगा. लेकिन इस केस की यदि मैं बात करूं तो ये आपको इको मिलेगा किसके लिए, रेफरेंस टारगेट के लिए मिलेगा. ठीक है, द इको ऑफ द स्क्रीन अबव द सेम हाइट बट एज यू सी कैन सी द रिफ्लेक्टेड आर वेरी डिफरेंट साइज रिफ्लेक्टर्स. ठीक है, देखो क्योंकि यहाँ पर ये रेफरेंस टारगेट से आया तो भी आपको ऐसा ही मिला और यहाँ पर मिला तो भी ऐसा ही मिला, लेकिन ये 60% ऑफ द स्क्रीन है सेम हाइट पर तो मिला, लेकिन आप इसको क्या समझ सकते हैं, द साउंड हैज बीन रिफ्लेक्टेड बाय वेरी डिफरेंट साइज रिफ्लेक्टर्स. ठीक है, तो वो आपको जो साइज मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा, मतलब ये एकदम मीड में मिल रहा है ये अलग मिल रहा है. एन अल्टरनेटिंग ऑफ यूजिंग रेफरेंस ब्लॉक्स इज यूज द परसेंटेज ऑफ द बैक रिफ्लेक्शन टेक्निक. ठीक है, तो आपको कुछ रेफरेंस ब्लॉक्स आपको यूज करना पड़ेंगे जब भी आप उसको ऑब्जर्व करना चाहेंगे या टेस्टिंग करना चाहेंगे. इन विच द प्रोब इज प्लेस इन द डिफेक्ट फ्री एरियाज ऑफ द पार्ट
it control the flaw detector are adjusted to obtain a predetermined echo height of the back wall of the component. ठीक है, तो जो भी आपके references हैं पहले आपको उसको set करना पड़ेगा, या फिर पहले आपको जो भी है उसका calibration करना पड़ेगा कि भाई इस particular के लिए करना है तो आपको उसको उसके according set करना पड़ेगा. Any detect echoes or loss of the back wall echo can be evaluated against the predetermined back wall level. ठीक है, अब इसका टेस्ट प्रोसीजर क्या है? An inspection procedure and techniques sheet should be available on the operators at every component be tested. A procedure contains information of a specific entity method covering the general requirement inspection such as equipment type, किस तरह का है, equipment का calibration किया गया है या नहीं है, reference standard क्या use कर रहे हो, operator का qualification क्या है, ये सब techniques मतलब ये सब चीजें भी इम्पॉर्टेंट होती है किसी शीट का या किसी भी प्लेट का या किसी कंपोनेंट का टेस्ट करने के लिए. सच एज स्कैनिंग पैटर्न डिफेक्ट शॉर्ट एंड रिपोर्टिंग का जो क्राइटेरिया है वो क्या है. कुछ और कंपोनेंट्स हैं तो अल्ट्रासोनिक कंपोनेंट कैन बी टेस्ट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, तो अलग के लिए अलग है, जैसे कास्टिंग के लिए हो गया, रोट आयरन के प्रोडक्ट्स है तो उसके लिए हो गया. ठीक है, फोर्जिंग के कुछ प्रोडक्ट है तो उसके लिए हो गया, वेल्डिंग करना है तो, या वेल्डिंग आपने दो किया है तो उनके बीच में कुछ एंगल बीम का प्रोब आप यूज कर सकते हो. ठीक है, इसके स्पेसिफिक एप्लीकेशन क्या है? थ्रू ट्रांसमिशन टेस्टिंग. ठीक है, तो ये आप आई थिंक पढ़ लोगे. ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है. हाँ, इमर्शियल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मतलब आपने कुछ मान लो कोई आपका कंपोनेंट है वो जो इमर्स्ड कंपोनेंट है. ठीक है, तो उस केस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं. ठीक है, एंड थिकनेस मेजरमेंट और कंडीशन मॉनिटरिंग में भी आप इसका यूज कर सकते हो. मटेरियल्स कंडीशन एंड प्रॉपर्टीज के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो. ठीक है, ये सब सारे इसके एप्लीकेशंस हैं. मेडिकल एप्लीकेशंस भी हैं जैसे गायनेकोलॉजी में यूज किया जा सकता है. ठीक है, करते हैं अपन. किडनी, लिम्फ, पेंक्रियास के केस में भी यूज किया जा सकता है. हाँ, एडवांटेजेस देख लो. द मेन एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन कंपेयर टू अदर इंस्पेक्शन, एक्सेलेंट पेनिट्रेशन होता है जिसकी वजह से क्या होगा, आप डीप लाइंग डिफेक्ट जो है उनको भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. कुछ मिलीमीटर पर है या सेवरल मीटर पर भी है उनको भी आप इजीली एग्जामाइन कर सकते हो. दिस मेथड इज वेरी सेंसिटिव एंड क्विक, कैन लोकेट वेरी स्मॉल डिफेक्ट. डिफेक्ट कैन बी साइज्ड, कितने साइज का है, किस पोजीशन पर है, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं. पल्स इको टेक्निक है जो कि इजीली एक्सेसिबल है और समझ में भी आता है कि भाई मतलब इको आया है उसका मतलब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इतनी डिस्टेंस पर आपको मिलेगा. द अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द डिफेक्ट इज डिस्प्ले ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली अलाउ इमीडिएट वन साइड ऑफ द इंटरप्रिटेशन. दिस एंटायर वॉल्यूम इज स्केल्ड, पूरे वॉल्यूम को ही आप इंस्पेक्ट कर सकते हो. दिस टेक्निक कैन बी वेरी पोर्टेबल, मतलब आप जैसे मान लो कोई रेलवे ब्रिज है उस रेलवे ब्रिज को आपको इंस्पेक्शन करना है तो आप ऑन साइड जाकर भी इसका इंस्पेक्शन कर सकते हो. ठीक है, सिग्नल्स कैन बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, तो कैरेक्टराइज एंड डिटरमिनेशन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज, तो इसको इजिली किया जा सकता है. एंड थिकनेस ऑफ मेजरमेंट मेटल बीनीथ पेंट कोटिंग कैन बी कैरिड आउट विद अ मल्टी इको मेथड. ठीक है, मतलब पेंट यदि कोई पेंटेड कंपोनेंट है आपका तो उस पेंटेड कंपोनेंट को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? इट इज ऑफन टू डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट अ डिफिकल्ट सिग्नल, डिफेक्ट सिग्नल. ठीक है, मतलब आप कोई डिफेक्ट सिग्नल आपको मिल रहा है तो उसको इंटरप्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि ये सिग्नल कौन सा आ रहा है. ठीक है, मतलब ये किस तरह का पोर होगा या किस तरह का डिफेक्ट होगा. ठीक है ना, उसको थोड़ा इंटरप्रेट करना हमारे लिए इस केस में पॉसिबल मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है. मैनुअल टेक्निक्स रिक्वायर एक्सपीरियंस ऑपरेटर की जरूरत होती है, मतलब ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंस्पेक्शन प्रोसीजर इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड गुड टेक्निकल नॉलेज इज नीडेड. इरेगुलर शेप पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ रफ सरफेस एंड सर्विस कंपोनेंट आर डिफिकल्ट टू टेस्ट. ठीक है, तो कुछ इरेगुलर सर्फेसेस होंगी तो उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकते. सिंगल क्रिस्टल प्रोब हैव अ डेड जोन जिसकी वजह से आपको डिफेक्ट को डिटेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. ट्विन क्रिस्टल प्रोब्स यूजुअली फोकस एंड कैन ओनली बी यूज ऑन अ सर्टेन डेप्थ रेंज. ठीक है, दो सिंगल क्रिस्टल का भी कुछ डिसएडवांटेज है, ट्विन क्रिस्टल का भी कुछ डिसएडवांटेज है. ठीक है, द अल्ट्रासाउंड बीम बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल इन द नियर जोन फील्ड, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव फ्रंट
लीडिंग टू डिफिकल्टीज इन द डिटेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ द नियर सर्फेस। ठीक है, कुछ इसके डिसएडवांटेज है, कॉन्टेक्ट टेस्टिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि हमेशा आपको कॉन्टेक्ट एक रीजनेबल अमाउंट आना चाहिए, मतलब कहीं पर भी कुछ भी एयर गैप नहीं आना चाहिए। In the last, ultrasonic inspection can offer a comprehensive inspection method suitable for many applications, but does require a considerable understanding of capabilities and limitations before implementation due to relative high cost associated with the method. क्योंकि ये थोड़ा सा costly होता है और training के लिए भी आपको कुछ पैसा खर्च करना होगा और equipment भी इससे costly होता है। ठीक है, can help provide information and result not easily available by any other method. ठीक है, इससे जो information या result मिलेंगे वो बाकी दूसरे method से हमको नहीं मिलेंगे। Now, in the next lecture, we are move towards the radiographic testing. ठीक है, तो next lectures में हम बात करेंगे radiographic testing की और